ठीक है, असाइनमेंट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा तो 11th, ओके ये रहा क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 10-10 माइक्रोफेरेड के चार कैपेसिटर्स हैं, 500 वोल्ट की इसमें बैटरी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो देखो इसमें सब 10-10 माइक्रोफेरेड के हैं, ये तो तीनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में। तो एक काम करते हैं 10-10-10 सीरीज में, तो 1/C इज 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो सी की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 10/3 माइक्रोफेरेड। सिंप्लीफाई करना तो इन तीन की जगह मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ 10/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और फाइनली नीचे एक कैपेसिटर और लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड ऐसे, और नीचे एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है 500 वोल्ट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी निकालना है। चार्ज निकालने के लिए मेरे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, वी, वी। तो अगर बैटरी का वी 500 है तो इसका भी कितना होगा 500, इसका भी कितना होगा 500, याद करो पैरेलल के अंदर वी तो सेम ही था। तो इस कैपेसिटर का चार्ज क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो चार्ज आएगा 10 × 10⁻⁶ × 500। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, 5 × 10⁻³ कूलम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये चार्ज आ गया, इस पे चार्ज क्या आएगा, Q डैश आएगा अगेन 10³ × 10⁻⁶ × 500। तो यानी कि चार्ज Q डैश की क्या वैल्यू आएगी, Q डैश की वैल्यू आएगी 5³ × 10⁻³ कूलम, क्यू और क्यू डैश आ गया। अब इसका तो आंसर आ गया, इसका आंसर यानी कि ये कैपेसिटर है तो इसका आंसर है 5 × 10⁻³ कूलम, डन। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन तीनों का, कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज। तो जितना चार्ज इस पे है, कितना चार्ज, ये रहा चार्ज, जो भी ये चार्ज है, ये चार्ज इस पे, ये चार्ज इस पे और ये चार्ज इस पे, एग्जैक्टली क्या होगा, सेम आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें? सर आपने किस वजह से लगा कि तीन सीरीज में और एक पैरेलल में, कैसे सर आपने कैसे पता चला कि तीनों सीरीज में और उसके मतलब C4 के पैरेलल में, सीरीज में मैंने कहा, ये एक वायर का पार्ट नहीं है, एक एक ही वायर के अंदर तीन कैपेसिटर्स हैं तो ये सीरीज में है। और सर C4 पैरेलल, C4 अलग वायर है, पता लग रहा है पैरेलल है, ये देखो, ये तो हमने क्लास, ये तो कोई भी क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये V1 है, ये V2 है, तो ये भी V1 है, ये भी V1 है, ये भी V2 है, तो ये भी V2 मतलब ये तो डायग्राम देखते ही, इससे मतलब इससे सिंपल डायग्राम नहीं होगा ना, तो पता लग ही रहा है पैरेलल है। ओके सर, है ना, ये तो बाय प्रैक्टिस ही पता लग रहा है। तो अगर इसकी कैपेसिटी अलग अलग भी होती ना C1 C2 C3 की, चार्ज फिर भी सेम आता, क्योंकि सीरीज में कोई भी कैपेसिटर लगा हो चार्ज सेम ही रहेगा, वी चेंज हो जाता है, वी चेंज होगा, राइट, क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 19 इसी शीट का, क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो।